अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा और जेम टीवी में आज एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आप मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, पोल्ट्री से रिलेटेड आज का प्रोग्राम है, हमारा टॉपिक है और जो है पाकिस्तानी जो है वो मुर्गन गिजाओं के बहुत ही शौकीन हैं। कहीं पे भी शादी हो, ब्याह हो या घर में कोई भी मेहमान आए तो मुर्गी का सालन बनना तो आम सी बात है। इसके अलावा इसी मुर्गी को जिसको हम बहुत खाते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सी मिथ्स भी हैं, मिसकंसेप्शंस भी हैं और जो है बहुत जो है इसके बारे में बातें भी की जाती हैं। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो ब्रायलर मुर्गी है उसको खाना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने आज अपने जो है शो में बुलाया है माहिर को, जो कि आपके इन सब कंसेप्शंस जो है, मिसकंसेप्शंस जो है और मिथ्स जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा पोल्ट्री के बारे में बता दी चलूँ कि पाकिस्तान में जो पोल्ट्री की सनत है वो 1962 में इसका आगाज हुआ और पोल्ट्री सनत जो है पाकिस्तान की मुल्की मौशत में अहम किरदार अदा कर रही है। और वजीर आजम पाकिस्तान ने तो पिछले दिनों जो है मशवरा भी दिया था कि हर पाकिस्तानी जो है वो घर में मुर्गियां पालना शुरू कर दे। इसका मतलब है कि वाकई जो है इस सनत का जो है वो बहुत फायदा है। पाकिस्तान में जो अब तक इस सनत में सरमायाकारी की गई है वो है 750 अरब रुपए की और तकरीबन 15 मिलियन जो है लोग इस जो है सनत से वाबस्ता है, उनका रोजगार जो है वो इस सनत से वाबस्ता है। इसके अलावा 25 से 35 हजार जो है पोल्ट्री फार्म पाकिस्तान में मौजूद है और 33 करोड़ जो है ब्रायलर मुर्गियां जो जिनसे गोश्त हासिल किया जाता है और तकरीबन 1 करोड़ और 20 लाख जो है वो मुर्गियां पाकिस्तान में उनका कारोबार किया जाता है जिनसे अंडे हासिल किए जाते हैं। तो ये तो थी पोल्ट्री फार्म और पोल्ट्री सनत से रिलेटेड कुछ ब्रीफ जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की। अब मैं अपने जो है मेहमान खसूसी का आपके साथ तारुफ करवाती चलूँ। मेरे आज के मेहमान है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन के प्रोफेसर डॉक्टर अथर महमूद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप सुनिए, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत ही शुक्रिया और हम जो है आपसे आज बहुत कुछ जानेंगे जो कि जो है लोग बहुत जो है ना बेताबी से जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि ब्रायलर कौन सी मुर्गी है और ये कैसे बनती है? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। ब्रायलर मुर्गी जो है बेसिकली हम इसको गोश्त वाली मुर्गी कहते हैं। अगर कमर्शियल लेवल में बात करें, एक गोश्त वाली मुर्गी होती है और एक अंडे वाली मुर्गी होती है। तो ब्रॉयलर मुर्गी जो है वो है जिससे हम अपना गोश्त तैयार करते हैं और ये जो आज हमारा ब्रॉयलर हमें अब सामने नजर आ रहा है इसके पीछे कोई 125 साल की मेहनत है और ये इस तरीके से बयान होता है जैसे मैं टेक्निकल लफ्ज आपके सामने बोलता हूँ कि ये सिलेक्शन और ब्रीडिंग का प्रोसेस है। सिलेक्शन और ब्रीडिंग से ये मुराद है कि जब एक मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं उनके जो आगे बच्चे आते हैं उनमें से कुछ बच्चों का वजन अपने बाप से ज्यादा होगा, कुछ का वजन अपने बाप से कम होगा। हम जो ज्यादा वजन वाले बच्चे होते हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उनकी आगे मजीद ब्रीडिंग कराते हैं। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहता है यहाँ तक चला है कि ये ब्रॉयलर जो आज आप खा रहे हैं आज से 15-20 साल पहले जो 50 हफ्ते में तैयार होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 20 हफ्ते तकरीबन आदमी कह लें कि 6 हफ्ते में तैयार होना शुरू हो गया, अब 35 दिन में तैयार होता है और पाकिस्तान में तो ये 32 दिन के अंदर तैयार होता है। तो ये ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन का प्रोसेस है जो कि बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है जिसके बेस के ऊपर हम आज का ब्रॉयलर जो है वो आपके सामने लिख रहे हैं सिलेक्शन और ब्रीडिंग के जरिए। कि अगर बच्चे का वजन आपके बाप के वजन ज्यादा होगा हम उसको रख लेंगे, फिर वो जो आपस में मिलेंगे फिर उनके जो बच्चे आएंगे उनमें से कुछ बच्चों का वजन अपने बाप से कम होगा या ज्यादा होगा, हम ज्यादा बड़े सिलेक्ट करते जाते हैं। तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना इसको आपस में भी ब्रीड कराया जाता है, मिलाया जाता है, उसके बेस के ऊपर ये फिर ब्रॉयलर जो है हमारा। अब अभी आपने कहा कि ये जो है इनकी पहले जो है वो 55 दिनों में होती थी और अभी जो है वो 32 से 35, तो ये इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? मतलब इनकी फीड क्या है? कुछ ये भी कहा जाता है कि ये फीड जो है वो अच्छी नहीं है, लाइक उसमें ये भी, अब आई डोंट नो, ये आप बेहतर बता सकते हैं कि उसको जो है आर्सेनिक जो है उनको फीड किया जाता है और जो कि जो है ऑब्वियसली ह्यूमन जो है डाइजेशन और उनके लिए जो है हेल्थ के लिए बुरा है, तो क्या वाकई ये ऐसा है या ये गलत बात? अच्छा, आपके ये क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से का जवाब ये है कि इतनी जल्दी ये तैयार इसलिए हो जाता है कि इसमें 4 फैक्टर हैं। अच्छा। एक बर्ड की जेनेटिक्स, दूसरी बर्ड की न्यूट्रिशन है, तीसरी बर्ड की मैनेजमेंट है और चौथी उसका डिजीज से प्रिवेंशन है। इन चारों फैक्टर्स के अंदर सबसे 80% रोल जो है वो जेनेटिक्स का है, यानी जो चीज माँ बाप में होगी वो बच्चों में शिफ्ट होगी, ह्यूमन में ये बच्चों में शिफ्ट होगी ना। उसके बाद फिर हम दूसरा रोल जो है वो 10 से 12% न्यूट्रिशन का करते हैं,
कि न्यूट्रिशन अगर अच्छी होगी, अच्छी से मेरी ये मुराद है कि बैलेंस्ड होगी, उसमें तमाम अमीनो एसिड्स, उसके अंदर तमाम विटामिंस, उसके अंदर जो भी उसकी प्रोटीन है, जो उसकी बैलेंस्ड उसकी नीड है, हम उसको पूरा करेंगे। जब ये दो चीजें पूरी होती हैं, फिर हम उसकी मैनेजमेंट पे आते हैं। इसको अच्छा माहौल देना, गर्मी सर्दी से बचाना, इसको वही पानी देना जो हम अपने लिए पीते हैं, और इसको वैसी खुराक का हाइजीनिक खुराक देनी जैसे हम अपने लिए करते हैं, इसका रोल भी 10% है। और चौथा और आखिरी रोल है डिजीज प्रिवेंशन का। तो इसका मतलब है कि जो खसूसियात माँ या बाप में होंगी वो बच्चों में शिफ्ट होंगी, 80% तो वो वाला रोल होगा। अच्छा, दूसरी बात की बात आ गई खुराक के वाले से। खुराक के वाले से ज्यादातर हमारे मुल्क के अंदर ना तकरीबन 99% हम इसको जो फीड देते हैं वो प्लांट बेस्ड है। अच्छा। जिसमें आपको मैं बता दूंगा मकई, तकरीबन 60% मकई इसकी फीड में ऐड की जाती है, सोयाबीन है 20% वो ऐड किया जाता है, फिर चावल है, फिर मकई, उसके बाद गंदम है, उसके बाद फिर विटामिन है, फिर शीरा है, और इससे रिलेटेड ये तमाम की तमाम इसको हम वेजी फीड बोलते हैं, वेजी मीन के वेजिटेबल से निकली है। तो ये तमाम की तमाम ये वाला सोर्स है। दूसरी जो आपने तीसरी बात की कि आर्सेनिक, आर्सेनिक के बारे में मैं थोड़ा सा आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि आर्सेनिक जो है वो आम तौर पे प्लांट में पाया जाता है, और जमीन के अंदर जू पानी की गहराई नीचे होती जाती है, इसका कंटेंट जो है वो बढ़ता जाता है। लाहौर के अंदर ही मैं आपको मिसाल दूं, जो किसी इदारे ने सर्वे किया था कि लाहौर के पानी के अंदर जब आप हैंडपम्प को खोलते हैं तो उसके अंदर से आर्सेनिक मिकदार 10 माइक्रोग्राम है, 10 माइक्रोग्राम है। और जो लाहौर, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल होती है। अच्छा। लेकिन अगर आप लाहौर का पानी देखें तो वो 300 के करीब है, यानी 300 माइक्रोग्राम लीटर पर लीटर के अंदर आर्सेनिक जो है पाया है। अच्छा, बात का होता है कि आपने बर्ड को अगर ऐसे पानी से धो लिया तो वो आर्सेनिक उसके गोश्त में इस्तेमाल हो जाएगा, वो लगे जाएगा। तो लोगों को ये भी जानना चाहिए कि ये जो आर्सेनिक है ये वो सीवरेज के पानी में भी होता है, और जो जो वाटर टेबल जो है डाउन जाता है इसकी तादाद बढ़ जाती है। प्लांट के अंदर इसका सोर्स है चावल, इसी हम कहते हैं कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे शीरखोर बच्चे होते हैं उनको राइस बेस्ड जो है वो ये जो हम देते हैं दलिया, ये नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये क्योंकि उसके अंदर है, हाँ ये उसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। फिर हम आम लोगों को कहते हैं कि अगर जाहिर है चावल सारी दुनिया में खाए जाते हैं, हमारे मुल्क में भी खाए जाते हैं, कि अगर आप चावल को रिंस कर लें, रिंस से मुराद है कि आप पानी उसके अंदर से गुजार लें, तो वो 10% आर्सेनिक उसके अंदर से निकल जाता है। अगर आप उसको 1:6 की रेशो से रख लें पानी के अंदर, फिर 45% आर्सेनिक उसके अंदर से रिमूव हो जाता है। तो हमें इस चीज को भी ज़हन में रखना चाहिए कि सिर्फ ये मुर्दे इल्जाम ठहरा देना कि जी आर्सेनिक जो है वो, ये आर्सेनिक पानी में पाया जाता है, यानी कि आप वो वाला पानी आप पिए, मैं पीऊं, जानवर पिए, हमारे अंदर, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेलिब्रेटली या जानबूझ के शौरी तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता। ये तो मतलब हम खुद भी, मतलब अगर ब्रायलर ना भी खाएं तो हम अगर कोई प्लांट खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें खा रहे हैं, तो उनमें भी ये सब नेचुरली जो है चीजें हैं, और इनकी कुदरती जो है वो इनकी रेमेडीज भी हैं, और इनको कैसे अवॉइड भी किया जा सकता है। सो इसलिए ये बात तो आज क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ नहीं है, डेलिब्रेटली ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत से लोगों ने तो जो है ये चिकन खाना भी मतलब छोड़ दिया है कि जी मतलब इसमें, हम उनको सिर्फ ये कहते हैं कि जो मेरा सजेशन है बीइंग एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, के हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आर्सेनिक जितना भी इकट्ठा होता है ना उसकी, जिसे हम बोलते हैं लिवर में या कलेजी में इकट्ठा होता है, इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका काम है डिटॉक्सिफाई करना। जो भी खुदा ना खासा हम चीज रात को खाते हैं तो लिवर का काम है कि वो उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो मुर्गी के अंदर भी वो कलेजी जिसे बोलते हैं, तो कलेजी के अंदर ये सारा इकट्ठा हो जाता है। तो हम फिर लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कलेजी जो है वो आप ना खाएं, बाकी गोश्त। डॉक्टर साहब, ये भी तो कहा जाता है कि कलेजी जो है वो खून बनाने के लिए, वो तो बर्ड का है ना, बर्ड का खून बनाती है ना, लेकिन जब डिटॉक्सिफाई करता है हम, हमारा तो, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमें अगर कलेजी खाएंगे तो हमारे अंदर चांस है, हमें इसकी मुर्गी की कलेजी नहीं खानी चाहिए, उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा ये भी बताते चलें, अब ये बात हो रही है कि जो है अच्छी है या बुरी है, देसी अंडे को जो है लोग फोकिया देते हैं विलायती अंडों पे। अभी सर्दियां चल रही हैं तो इस हवाले से जो है ना लोग कोशिश करते हैं देसी अंडे हों। नॉर्मली भी लोगों का ये ख्याल है कि जो देसी अंडे हैं वो, उनमें ज्यादा न्यूट्रिशन होती हैं, ज्यादा प्रोटीन होती है, और बल्कि जो देसी मुर्गी है उसके गोश्त को भी प्रेफर किया जाता है ब्रायलर पे। तो क्या ये कितनी हद तक ये बात सही है? वन लाइनर जवाब तो ये है कि कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसकी वजाहत कर दूंगा। देखो, एक तो देसी अंडे का साइज छोटा है, ठीक है ना, उसका आमतौर पर 40 से 45 ग्राम होता है, और जो वलायती अंडा वो 50 से 60 ग्राम होता है।
इसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन है, उसके अंदर भी 6 ग्राम प्रोटीन है। अच्छा। लेकिन अगर आप प्रोपोर्शनेट देखें तो जब आप देसी अंडा खाएंगे तो आपको 6 ग्राम कम मिलेगी, लेकिन अगर आप वलायती अंडा खाएंगे तो आपको 6 ग्राम। अच्छा। और ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से भी कि मतलब देसी अंडा खाना है। नहीं नहीं, वो देखिए कोई फर्क नहीं है, दोनों में कैलोरीज 75 किलो कैलोरीज होती है, उसमें भी 75 है, इसमें भी 75 है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि लाइकिंग क्यों है। लाइकिंग दो वजह से है, एक उसके कलर की वजह से, वो जरा ब्राइट है थोड़ा सा, और दूसरा वो अगर आप खाएंगे तो आपको थोड़ा सा नमकीन लगता है। ये अगर आप दोनों में फर्क देखें ना तो दोनों से आपको नमकीन लगेगा। तो हमारी कौम जरा थोड़ी सी चटखोरी है, उसको नमक वाली चीज जरा अच्छी लगती है। और दूसरा ये कलर उसके चेंज होने की ये रीजन है कि वो मुर्गी को हम स्केवेंजर बोलते हैं। स्केवेंजर मीन के वो घर से बाहर निकल गई, उसने काकरोच भी खा लेना, उसने चिकली भी खा ली, उसने पालक भी खा लेनी, उसने घास भी खा लेना। तो इन जो मटेरियल मैंने आपको बताया प्लांट से रिलेटेड, इनके अंदर एक मादा होता है जेंथोफिल। जेंथोफिल इसको कलर देता है, दैट्स व्हाई उसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क होता है। तो जिसकी वजह से लोगों को होता है कि पता नहीं इसमें गजाइयत, अदरवाइज न्यूट्रिशनली देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, कोई डिफरेंस नहीं। और इसी तरह गोश्त के वाले से भी है, गोश्त हम इसलिए पसंद करते हैं कि वो मुर्गी जो है ना देसी, वो जरा एक्सरसाइज करती है, फिरती रहती है। तो दैट्स व्हाई उसके मसल्स जो है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, तो हमें जरा गोश्त खींच के खाने में जरा मजा आता है। आज हमने खींच के खाया, ब्रॉयलर वैसे ही मुंह में घुल जाता है, तो लगता है ये तो हाँ ये ऐसे ही ऐसे, इस वजह से लोग इसको फोका कहते हैं। अदरवाइज न्यूट्रिशनली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द, क्योंकि प्रोटीन ही मेन चीज है, तो प्रोटीन उसमें भी 21-22 है, इसमें भी 21-22 है, कोई फर्क नहीं। अच्छा, अब खाने के हवाले से बात हो रही है, मुझे थोड़ा सा ये भी जानना है सर्दियों में कितना इसको खाना चाहिए और गर्मियों में, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं क्योंकि अंडे जो है उसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, तो सर्दियों में ज्यादा खाना चाहिए और गर्मियों में इसको नहीं खाना चाहिए, क्या ऐसा वाकई कुछ है, या हमें कितनी जरूरत है एक एडल्ट को और एक बच्चे को मतलब ये प्रोटीन की। देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो थी ना वो कहती है खुदा ना खास्ता अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है तो जैसे आपकी एज है, आपकी एज के तमाम लोगों को, नौजवानों को दिन में 2 अंडे एक्सेप्ट कुछ नहीं कहते भी, लेकिन ओवरऑल जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि हफ्ते में वो 4 अंडे खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आलमी है, हमारे लिए बड़ा सोचने का मकाम है कि जितने डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे, जैसे मैं जापान की बात करता हूँ, वहाँ पर लोग एनुअली 340 के करीब एनुअल अंडे खाते हैं, और हमारे मुल्क में 70 इमेजिन। और इसी तरह मुर्गियां गोश्त हमारे मुल्क के अंदर जो है वो 9 से 10 kg है पर पर्सन साल में इतना खाता है, जबकि बाहर के मुल्कों में 70 kg। तो हमारी तो कौम पहले ही डेफिनेट, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो वो हर उसका इकोनॉमिक सर्वे में ये बताता है कि हमारे नौजवानों को या सब लोगों को 27 ग्राम एनिमल प्रोटीन डेली हमें चाहिए, हमें 16 मिल रही है, तो इसका मतलब 10 की डेफिशिएंसी वी आर स्टिल फेसिंग। तो हमें तो तमाम नौजवानों को, बल्कि मैं तो ये आपके चैनल के थ्रू हुकूमत पाकिस्तान से, पंजाब गवर्नमेंट से कहूंगा कि स्कूलों के अंदर एक अंडा और एक ग्लास का दूध का कंपलसरी प्रोग्राम चलाना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल यकीन जाने कि मेरा असेसमेंट है कि इतनी बीमारियों से हमारी जान छूटेगी जो छोटी एज के बच्चों को आती है अगर ये, क्योंकि अंडा जो है मुकम्मल है, एक अंडा एक नई जनरेशन को जन्म दे रहा है, तो क्या नेचर उसके अंदर कोई एडल्टरेशन कर सकती है? और रियासत जो है वो माँ होती है, मासद, तो मतलब मैं ये सब स्कूल लेवल पे अगर करें तो देखिए, मैं इसलिए मैं आपको ये मिसाल दी, हमने पत्तोकी के पास हमारे का स्कूल है मुंडे की गाँव, वहाँ हमारी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने, हमारे डिपार्टमेंट ने मिलकर स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम किया। उस स्कूल के अंदर बच्चों की तादाद 100 थी, 3 महीने के अंदर वो 250 हो गई, और फिर हमने हर 3 महीने बाद उनका बायोमेट्रिक्स लिया, उनके कद लिए, वजन लिए, स्टंटेड ग्रोथ चेक की। आप यकीन जाने कि ओवरऑल 24% का फर्क पड़ा उनके कद में, उनकी जिस्मानी साख में, और उनके ओवरऑल जो स्टंटेड ग्रोथ थी, क्योंकि 44% स्टंटेड ग्रोथ है हमारे मुल्क के अंदर। तो स्कूल लेवल के अगर हम कर देंगे तो वो एक अंडा उनको रोज देते हैं और एक ड्रम स्टिक हम उनको रोज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मतलब ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम पे चला, बल्कि बाकी स्कूलों में इतराज के लिए हमारे स्कूल में तकरीबन ये आप समझ लेंगे 250 अंडा डेली वहाँ पे जा रहा है, 250 जो है वो ड्रम स्टिक वहाँ पे जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही ज्यादा जो है आज जो है अहम मालूमात जो दी, और कुछ ऐसी जो मालूमात, कुछ ऐसी बातें थी जो कि बचपन से हम भी उन्हीं को सुनते आ रहे हैं और जो है उन पे बिलीव करते हैं, और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब की बातें सुन के आप सब भी जो है वो बहुत मुस्तफेद होंगे, और जो है प्लीज अपनी प्रोटीन जो इंटेक है उसको बढ़ाइए, और अंडे जो है वो देसी हो या विलायती हो, मुर्गी देसी हो या विलायती हो, उसको खाइए, और जो है अपने बच्चों को भी खिलाइए ताकि बेहतर जो है
उनकी न्यूट्रिशंस और उनकी प्रोटीन और उनकी जो जो है नशोनुमा है वो अच्छे तरीके से हो सके. और आप भी अगर मजीद कुछ डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, मजीद आपके पास कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. वीडियो लाइक कीजिएगा, देखते रहिए जेएमटीवी. थैंक यू.